साथियों, अक्सर हम लोगों ने लोगों को एंजियोग्राफी या फिर एंजियोप्लास्टी कराते हुए सुना है। एंजियोग्राफी में पता चल जाता है कि कोरोनरी आर्टरीज में कितना ब्लॉकेज है। कोरोनरी आर्टरीज उसे कहते हैं जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती हैं। जब अभी शरीर में कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड्स की मात्रा अधिक हो जाती है तो धीरे धीरे जो हमारे शरीर की धमनियां हैं ना, वो संकरी हो जाती हैं, और वो संकरी धमनी हार्ट की यानी कि कोरोनरी आर्टरीज में जब वो संकरापन हो जाता है, संकरी हो जाती है, इसे ही हम कहते हैं आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, और यही खतरा बन जाता है एंजाइना पेन का या फिर हार्ट अटैक का। आज हम जानेंगे वो कौन सा खास सिंगल एक्यूप्रेशर का पॉइंट है, जब आप स्टिमुलेट करेंगे उस पॉइंट को तो जो धमनी काठिन्य हो रहा था या जो कोरोनरी आर्टरीज में जो ब्लॉकेज हो रही थी, धीरे 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 वो ब्लॉकेज क्लियर होनी शुरू हो जाएगी। आइए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और विस्तार से समझते हैं उस खास एक्यूप्रेशर पॉइंट को। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपकी अपनी डॉक्टर डॉक्टर ऋचा वार्ष्णेय, संभव नेचर केयर हॉस्पिटल लखनऊ से स्वागत करती हूं आप सभी का घर बैठे चिकित्सा कार्यक्रम में। साथियों, कोरोनरी आर्टरीज में जो ब्लॉकेज है उसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है एक्यूप्रेशर थेरेपी में। आइए निगाह डालते हैं पहले ट्रीटमेंट के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होगी। हमें जरूरत होगी चक्रा मैग्नेट की। देखिए, चक्रा मैग्नेट एक तरफ से ऐसे, दूसरी तरफ से ये इस तरीके के होते हैं। दूसरा, हमें जरूरत होगी पेपर टेप की। आइए अब निगाह डालते हैं उस खास प्रेशर पॉइंट पर। ये पॉइंट हमारे हाथों में है, आएंगे रिस्ट फोल्ड। रिस्ट फोल्ड में बिल्कुल लगभग लगभग बीचों बीच ये पॉइंट है। पॉइंट बाइलेटरल है यानी दोनों ही हाथों में। पॉइंट का नाम है CI7, सर्कुलेशन मेरिडियन 7। अब क्या करना है, किस तरीके से मैग्नेट को लगाएंगे ये देखते हैं। लेंगे पेपर टेप, और पेपर टेप में हम इस तरीके से मैग्नेट को लेंगे कि स्किन में जो टच होगा वो ये कलर, बाहर से जो दिखाई देगा वो ये। इस प्रकार से हम एक एक चक्रा मैग्नेट को दोनों ही हाथों में लगा लेंगे। साथियों, हमने यहाँ पर किया है CI7 को टोन। बस ये उपचार हो जाएगा। आप 12 से लेकर 18 घंटे तक इस पॉइंट को लगाकर रख सकते हैं। फिर देखिएगा धीरे 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 जो आर्टेरियोस्क्लेरोसिस हो गया था, जिससे हम कहते हैं धमनी काठिन्य, उसमें आराम मिलना शुरू हो जाएगा, और जिसकी वजह से जो ब्लॉकेज हो रही थी कोरोनरी आर्टरीज में, तो वो भी उसमें भी आराम मिलना शुरू हो जाएगा। आप इस उपाय को जरूर करिए। आपको भी आवश्यकता है इन मैग्नेट्स की तो निगाह डालिए। नीचे एक वेबसाइट की लिंक है, sambhavcare.com। पूरी एक्यूप्रेशर किट अवेलेबल है, आप यहाँ से मंगा सकते हैं। साथियों, ये चिकित्सा पद्धति है ही बहुत ही सरल और सहज, और कोई भी इसे घर पर रहकर आराम से सीख सकता है। मन है आपका तो देखिए, निगाह डालिए स्क्रीन पर, बहुत सारे कोर्सेज हैं जो हमने डिजाइन ही किए हैं कि हम घर बैठे आपको ये सारी चीजें सिखा सकें। मन है आपका तो आप डायरेक्टली किसी भी कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। साथियों, आप भी ग्रसित हैं बीमारियों से और उपचार चाहते हैं एक्यूप्रेशर थेरेपी से, तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं, नहीं तो वेबसाइट में बुक एन अपॉइंटमेंट का ऑप्शन है, आप अपना अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हैं, डायरेक्टली मेरे से बात हो जाएगी। जनहित में इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा ताकि आपकी वजह से बहुत लोगों की हेल्प हो सके। आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ किसी और वीडियो में किसी और नई बात के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।